चलो अनी पता नहीं क्यों रो रही। कहो कहो काहे रो रही है? तो पागल है काहे रो रही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और देखिए पोहा भी बन गया और चाय भी बन गई। और हाँ, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है जो कि 10 मानी है भागवत की। प्रसाद भी तैयार कर दिया हमने, तो पापा और भैया जा रहे हैं कथा बचवाने के लिए। ये देखिए पोहा भी बना दिया हमने और चाय भी बन गई है और ये प्रसाद भी बन गया कथा के लिए। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राधे राधे। इसमें हमने पंचामृत बना के रख दिया और ये पंडित जी के लिए सब्जी है। इसमें पूड़ी भी रख दी हमने पंडित जी को खाना खिलाने के लिए। और इसमें पूजा का सारा सामान रख दिया कथा का हमने। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग है, है? 12 बजे का है। गुड आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून। जा रहा है? तो गाइस देखो छोटू जा रहा है घर पे। कैसा लगा तुम्हें हमारे थे? बढ़िया। कछु दिन और रुक जाते? पांच दिन आओ। घरे भी को नहीं रहता ही जिसमें। अब आओ, कब आओ? अब आते रहे अपन। अब तो पता पर कैसे, मतलब पतो पर गो घर। पहले पतो नहीं है तो हमारा घर कहाँ है? तो मतलब आवे की मैं मतलब कहूँ रास्ता नहीं देखी थी। रास्ता नहीं देखी? सही में नहीं देखी थी। सही ले, रास्ता नहीं देखी थी। अब रास्ता देख लिया, बात रहो। ठीक है। गाइस पापा तैयार बैठे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे। कहाँ जा रहे? कथा खिलाना है। कथा कराना। अच्छा, तो ये हमारी भागवत हुई थी उसकी कथा होनी है आज। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। अबे गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून बनी बोल बात। पापा गुड आफ्टरनून बोल नहीं पाते इसलिए गुड मॉर्निंग बोल देते। चाय जाओ। गुड मॉर्निंग राधे राधे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग का नहीं करे सुबीरो है का गुड मॉर्निंग बोलो। ये देखो राहुल भी रेडी है जाने के लिए। गुड मॉर्निंग राधे राधे। कुछ नहीं कह रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। ये कथा का सामान इसमें रख दिया है तो सारा सामान रेडी है। नहाओ ये नहीं जाओ पहले सीन लगो। हाँ देखो ये लोग बना रही हैं कथा का सारा सामान। पूड़ी उड़ी वगैरह बन गया सामान सारा। सब बना के दर दो छोटू के लिए पूड़ी निकाल दो। अच्छा गुड मॉर्निंग राधे राधे। राधे राधे। गुड आफ्टरनून। सलोनी भी है। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग है वे। गुड आफ्टरनून राधे राधे। देखो यहाँ पे चल रहा है छोटू का खाना। देखो अब फाइनली पापा जा रहे हैं। पापा हेलमेट लगा रखा है। बच्चा तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? है ही नहीं हमारे पास। दुकान पे है क्या? खरीदने हेलमेट। और ये देखो ये बैग में टांग है जेबी वगैरह रेडी। स्कूल जा रहेगा? हेलमेट कहाँ है? हेलमेट ततार पर आते ही पहन लिया हेलमेट। चलो तो ठीक है पापा जा रहे। पापा देखो मैं चश्मा भी लगा रहा हूँ तो आंख में धूल मिट्टी जाती है इनकी। जो बंद कर ले तो बिल्कुल घुटन सी फील हो। चलो कोई बात नहीं, चलो जा रहे ये लोग। चलो बढ़िया अच्छी से कथा करवाया ही हो। राधे राधे। आराम से जाइयो और आराम से। जी देखो बच्चा सलोनी अपने भैया कैसे द्वारे में खड़े होके देख रहे हैं कि हाँ भैया जा रहा हो घर है। वो तो चलो गो भगया। अब गाइस सलोनी पता नहीं क्यों रो रही। कहो गो। अच्छा भाई चला गया इसलिए रो रही है। अरे रास्ता देख ली जब चाहे आ जाएगा वो तो कभी भी। रोने वाली क्या बात है इसमें भाई। खाना खा लो, रोटी खा लो, दे दो रोटी दे दो। आ जाएगा वो। बड़ा लगता ही ठीक है तो भाई। बच्चा को प्यार लग रहा तुम्हें का पता? तो वो तो ठीक है, वो अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं रोना चाहिए। वो थोड़ी ना ऐसा थोड़ी ना है कि अब आएगा नहीं। आ जाएगा वो तो है? पता नहीं काय को रो रही। और बीमार हो जाने दो, लोग रो से नहीं जाएगा। हम तो खा गई। काय रो रही है? तो पागल है काय? भज जा रहे हो तो आलू बस जाओ। हाँ मम्मी नहीं रोत का? हाँ मम्मी को हमने कहू नहीं रोत। देखो भैया के जावे पे रोज चावल बनाने से। रणवीर देखो क्या कर रहा है। किन से बात कर रहा था? वो फ्रेंड है। क्या बात कर रहा था? फ्री फायर। अच्छा फ्री फायर खेल रहा? हाँ वो कह रहा रिक्वेस्ट भेज मुझे। हैं सही है। देखो रणवीर खेल रहा फ्री फायर। और यहाँ देखो गाइस बहुत ही खतरनाक कड़ी बनाई जा रही है आज हमारे यहाँ। खतरनाक? हाँ खतरनाक, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही। और जा मैं अबे मंगोड़ी बनाई जाए। आलू गोभी की सब्जी चली गई कथा के लिए। और गाइस एक सब्जी बन रही है कड़ी हमारे घर के लिए बन रही है। और कमेंट करके बताना कौन कौन जो इसमें बनने वाली है पकौड़ी और कौन कौन बचपन में बोलता था मंगोड़ी। सही बता रहा पकौड़ी अलग हो ठीक है। यहाँ देखो साधना बना रही है पकौड़ी और यहाँ हमें काम दिया है साधना ने कड़ी चलाने का।
हम कड़ी चलाते हैं। वो का जा में जो ढक्कन डरो। अरे वही खोंडा लाओ के कड़ी ना करत नहीं है। हैं? नहीं तो भाग जा कड़ी के तो। हां। वाह, नहीं तो कड़ी भाग जा के तो देखो। कड़ी ने करत नहीं है कड़ी। भाई जो साधना ने कड़ी चावल बनाए थे वो खा रही है। कैसे बने कड़ी चावल? अच्छे? मुझे वो है? धांसू। लो आज नौ शब्द महीना से नहीं मिले ना खावे। एक महीना से खावे नहीं मिले और आज एक नौ शब्द सुन में मिलो धांसू। इसमें बैठा था और कुछ कमेंट पढ़ रहा था तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें भी ब्लॉग बनाना है, कुछ बताओ, कुछ टिप्स दो ब्लॉग बनाने के। तो गाइज मैं आपको फर्स्ट टिप तो यही देना चाहूंगा कि डायरेक्ट ब्लॉग अगर आप बनाते हो तो प्लीज ब्लॉग बहुत ही मुश्किल है कि आपके ब्लॉग चले। कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं अपना लाइफ रूटीन दिखा रहा हूँ और मैं किसी भी तरीके से फेमस नहीं हूँ यूट्यूब पर, मुझे कोई जानता नहीं है, तो भाई मेरे ब्लॉग कोई क्यों देखेगा ये बताओ। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ या मैं ये दिखा रहा हूँ मेरा घर यहाँ है, तो किसी को क्या करना है मेरा घर कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को क्या मतलब मेरे से। बट हाँ, अगर हम अदर किसी चीज से फेमस है, जैसे कि मेरे प्रैंक चैनल था मेरा शुरुआत में, तो मैं प्रैंक से ही फेमस हुआ था, वहां से लोग मुझे जानते थे, वहां मेरे मिलियंस में व्यूज है, वहां से मेरे पास ऑडियंस थी, वहां मेरे सब्सक्राइबर थे, वहां मेरे पसंद करने वाले थे। देन मैंने अपना ब्लॉग चैनल बनाया, तब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, साधना के बारे में, सलोनी, मेरी पूरी फैमिली के बारे में तब लोग जानना चाहते हैं, तब लोग हमारे ब्लॉग पसंद करते हैं। जो सौरभ जोशी है तो उसका भी आर्ट चैनल था, आर्ट चैनल पे उसने करीब 2 साल मेहनत की है, 600-700 वीडियो भी डाली है उसने, तो वहां से लोग उसको पसंद करते थे, तब उसका ब्लॉग चैनल चला है। तो यही है कि आपको कहीं ना कहीं पहले कुछ ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर बनाना है जिससे आपको लोग पसंद करें। डायरेक्ट ब्लॉग, ब्लॉग कोई कंटेंट नहीं है, ब्लॉग तो हम अपना रूटीन दिखाते हैं, लाइफ रूटीन दिखाते हैं और फिर उसमें ही हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं तो लोग बस हमारी लाइफ रूटीन को पसंद करते हैं। प्लीज मेरी आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है, किसी ना किसी तरीके से या तो देखो रोस्टिंग हो गया, प्रैंक हो गया, कॉमेडी वीडियो हो गई और भी बहुत सारे कॉन्टेंट हैं, कहीं ना कहीं से आप पहले वो बनाइए, वहाँ से आप ऑडियंस को जोड़िए, वहाँ से आप अपने सब्सक्राइबर, अपना बेस, सब्सक्राइबर बेस बनाइए, फिर आप अपना ब्लॉग चैनल बनाइए, तो वही आपके जो सब्सक्राइबर दूसरे चैनल के थे वही आपको इस चैनल पे ब्लॉग पे आपको देखने आएंगे। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल है, मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है डायरेक्ट ब्लॉग चलना। बाकी आप लगे रहिए, देखो आप फिर बोलते हो भैया हम इतने टाइम से ब्लॉग बना रहे, ब्लॉग ही नहीं चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसे नहीं चलेगा, मैंने जो बताया पहले उस चीज पे ध्यान दो। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। साधना मेरे लिए लेकर आई है खाना, देखो ये आलू गोभी की सब्जी थोड़ी सी बची थी, रोटी है, चावल है, कड़ी है। सो चलो थैंक यू। हम कैसे लग रहे हैं? हम कैसे लग रहे? तुम लड़की जैसे। तो लड़की तो हैं। का क्या तुम बताओ, का सुनो वो चाहत नहीं चला तो। चश्मा का लगा लो तुमने? अरे मैं उम्मीद ले रहा हूँ कीड़ा गलत रात के खराब करो तुम भाई। आ चलो नाना। कहाँ जा रही? अस्पताल जा रहा है। वो कितना जा रहा है? खिलाने अस्पताल में कंडा ठोका था वहाँ रोजी। इनकी जिंदगी घर और अस्पताल, घर और अस्पताल, इतना ही तकसीम है। तो बच जा रहे हैं हम, उन्हें डरवा रहे थे ऐसे पेट्रोल। तो बच जा रहे हैं हम और आ गए अस्पताल है, और अस्पताल में मैडम को दिखा के रिपोर्ट, अब जा रहे घर है वापस। हम लोग घर पे आए और देखो पापा आ गए, सिलेंडर ले आए, चूल्हा भी ले आए। कब आए? अभी हाल आए। देखो राहुल भी आ गए। कथा हो गई? कैसी भाई कथा? देखो मौसी ने गांव से भेज दी मूंगफली, तुझे देखो इतना ये साधना खा रही बैठ के, इनने भूंज ली अपनी, इतने देखो ये मम्मी खा रही भूंज के, इनने भी भूंज ली, और इतने देखो ये सलोनी खा रही भूंज रही, सलोनी तो प्याज काट रही। खोआ बन रहा है, शरद पूर्णिमा आ रही तो उसके लिए खोआ के लड्डू बनेंगे। यहाँ पे साधना जब से देखो कितनी मूंगफली खा गई, खा ही रही है लगातार, खाए ए इतनी भूखी हो का मूंगफली की। वो तो भगवान जाना तुझे कीने खाई। कीने खाई? हाँ। तुमने खाई? वो कीने खाई? तुमने एक नहीं खाई? मैं तो दो खाई बस, केवल एक खाए पर दो खाई। ये देखो यहाँ पे मम्मी खा रही है गरी, हमारे घर में गरी गरी देखो यहाँ गरी, नारियल की गरी, हमारे तो जितने भी नारियल फूटत सबसे ज्यादा गरी मम्मी खा, पता नहीं मम्मी को गरी बहुत पसंद है, क्या पसंद है? हसिया से काट रही हूँ, लग जाए हसिया वसिया। गरी का पसंद है बताओ? अच्छा जरा खा देंगे, पसंद है तो है। देखो सलोनी और मूंगफली भूंज रही है, जो खोआ बन रही है।
फटाका मटाका घल रहा है ये तो इधर ध्यान रख। तो गाइस हमारे यहाँ आ गया माता का प्रसाद, तो यही मोहल्ले में जो हमारे यहाँ माता रखी थी वो आ गया प्रसाद। लास्ट का खोआ बचा है, फाइनली खोआ देखो बन चुका वो भयानक। ये देखो खोआ बनता है लास्ट में तो उचटता है, ये देखो बहुत गरम गरम, ये देखो दूध तो मम्मी के हाथ पे भी मेरे भी हाथ पे भी उचट गया। तो मम्मी एक कहानी बता रही थी अपने बचपन की कि लास्ट में जो खोआ उठने के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद जो साइड में कढ़ाई के जो खोआ लगा रहता था, ये लोग ना सब मामा और मम्मी आपस में लड़ते थे कि कौन खाए, लड़ते थे बताओ जरा खुद बताओ। वो कद तो हमें दे दो करज्जा भज्जा, हम कहते हमें हम चाटे करज्जा है खुआ कड़ा तो बहुत अच्छा लगा तो। अच्छा लगा तो चढ़ाई होती तुम्हारी है, को मारा तो कौन है मारा तो नहीं है, फिर हम जो कहते हैं एक दिन हम चाट लो एक दिन हम चाटे करज्जा का सालो नहीं तुम्हारे तो नहीं होते हमारे तो ऐसा ही होता बिल्कुल। मम्मी ने हमारे मन की बात कह दी, उस दिन बनाते एक दिन हम खाते एक दिन छोटू खाते, और बड़ी वाली दीदी बड़ी दीदी को अलग से दे देते जो है एक दिन करज्जा को हम बोले खाते है सही है। और भाई साहब साधना बता रही कि साधना की तो गुड़ी बना देते है अस्पताल इतना मारा तो और करज्जा ले जाते छोड़ा के गाय है। कब से मूंगफली खा रहे, मूंगफली नहीं पेट भरो का मूंगफली नहीं, देखो हम इतने बेर खा जात इतनी इमली खा जात इतने कच्चे आम खा जात मूंगफली खा जात, जी हमें कभी नुकसान नहीं करा, हम जितने जाए खा जाओ। गाइस देखो मम्मी मेरी पोल खोल रही, मम्मी कह रही कि बचपन में सबके लिए कुछ ना कुछ खाने को आता था पर मैं तो रख लेता था और फिर मैं बेचता था पापा को, लो पापा 5 रुपए में ले लो है ऐसे ही। तो राहुल का नंबर पहले से लग गया, खोआ बन रहा है तो कढ़ाई चाटने के लिए, लेकिन अब मैं नहीं खाता हूँ, मैं अच्छा तो लगता है लेकिन अब मैं नहीं खाता है ऐसे कि भाई चाहिए ही है, लेकिन अभी राहुल राहुल देखो लाइन में खड़ा है, राहुल अभी भी खाता है। देखो भैया कहे तुम्हारी सच्चाई भी तो पता चले, जो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे अब धर दो मम्मी लड्डू बनने सारे तो पूर्ण माखो पूरा खा लेते हैं तो देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो ले लंदो ना बस गाइस मैं तो इतना रखा हूं देख ले जे बड़े अबे सुधरे बने फिर रहे थे दो जन ले ओ उन्हें दे दो कहे जब बेईमानी नहीं है मम्मी तो एक खो दे दो तुमने एक खो तुमने गाइस सच बता रहा हूं मिठाई से भी ज्यादा टेस्टी लगता है ऐसे खोआ, मतलब इसमें शक्कर नहीं है बिना चीनी के बहुत टेस्टी लगता है। दे दो मम्मी अभी ती कर जा दे दो लो देखो भैया को मिली जा कर ले 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 जो सलोनी को मिलो। ये देखो ये खोआ खाने में बहुत मजा आता है जो लास्ट का होता है। राहुल को देखो ये मिल गई है मुझे कढ़ाई मिली है, लेकिन राहुल को ज्यादा है मेरे में तो कुछ है ही नहीं बचा ही नहीं कुछ। देखा था कैसे बेहरानी हो इन्हें इतनो मिल भी गया तो फिर भी बेईमानी से इन्हों से देखो करैया उठा के कितना भाग गए देख लो पहले। फिलहाल रात के 10:30 बज चुके हैं और करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब से हमारी वीडियो सुबह 8 बजे आएगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सुबह 8 बजे अपलोड करने की, देखते हैं कब तक होती है, अगर रेगुलर हो गया तो फिर रहेगी 8 बजे ही रहेगी। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे। ईमानदारी नाम की चीज नहीं है बिल्कुल, कैसे बेईमानी करके खा देखो तो कोई नहीं छुड़ा रहा, देख दो कोई थे तो ले फिर रहो कोई करज जा। That you pulled me through, I give it